हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी का ये एक वैसा ही दाव है जैसा बीजेपी ने 2024 में स्मृति रानी पर चला था बस इस बार स्मृति की जगह माधवी लता है माधवी लता असदीन ओवैसी को उनके गढ़ में चुनौती दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सात अप्रैल यानी की आज आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की प्रशंसा की है माधवी लता हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही हैं। है मोदी ने उन्हें असाधारण बताया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपकी अदालत शो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा माधवी लता जी आपका आपकी अदालत एपिसोड असाधारण है आपने बहुत ठोस मुद्दे उठाए हैं और तर्क और जुनून के साथ ऐसा किया है आपको मेरी शुभकामनाएं चले आपको ये बताते हैं की माधवी लता ने ऐसा क्या कहा है दरअसल माधवी लता ने भविष्यवाणी की है कि इस बार ओवैसी एक लाख पचास हजार वोटो के अंतर से चुनाव हारेंगे ओवैसी पर छह लाख वोट पाने का आरोप लगाते हुए माधवी लता ने कहा अगर हमारे पास फर्जी वोट होते तो हम चार हजार साल तक लगातार जीत सकते थे पर क्या करो हमारे पास फर्जी वोट नहीं है ओवैसी के पास छह लाख बीस हजार वोकस वोट है अगर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक ईपीआईसी नंबर टाइप करते हैं तो आपको एक ही मतदाता पहचान पत्र दो स्थानों पर मिल सकता है अकेले चार मीनार क्षेत्र में उनके पास एक लाख साठ हजार फर्जी वोट हैं। माधवी लता ने एक मुस्लिम लड़की को सत्तर साल के एक अरब व्यक्ति को बेचने की हालिया घटना को याद करते हुए कहा हाला कि हालांकि हैदराबाद को हाईटेक शहर के रूप में जाना जाता है लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है उन्होंने कहा के एक सर्वे में ये सामने आया है कि पिछले साल भारत में तीन लाख आईटी नौकरियां पैदा हुई हैं और एक लाख से अधिक हैदराबाद में थी लेकिन हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के दो तीन प्रतिशत लोगों को भी वो नौकरियां नहीं मिली और अगर इस निर्वाचन क्षेत्र से किसी को अच्छी नौकरी मिल भी जाती है तो वो इलाका छोड़ देते हैं और कहीं और चले जाते हैं वो यहां नहीं रहना चाहते ओवैसी के खिलाफ अपनी उम्मीदवार पर उन्होंने कहा मुझे अपने चयन के बारे में टीवी समाचार चैनलों से पता चला मैं भाग्यशाली हूँ कि टिकट मिलने के बाद अब मैं मोदी जी से मिल सकती हूँ वो युग के महायोगी हैं। मुझसे मिले बिना या मुझे जाने बिना उन्होंने केवल मेरे काम के आधार पर मेरा चयन किया मैं पिछले 20 सालों से धर्मार्थ कार्य कर रही हूं। मैंने अगले 8 से 10 महीनों में हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1009 सामान्य प्रसव निशुल्क सुनिश्चित करने का किया था। मैं मोदी भाई के बारे में और क्या कह सकती हूँ दिल्ली में बैठ मुझे जाने बिना उन्हें लगा की मैं सज्जी को टक्कर दे सकती हूँ और उन्होंने मुझे टिकट दे दिया इससे अधिक पारदर्शी राजनीति क्या हो सकती है अब अगर ये सवाल आ रहा है आपके मन में कि आखिर कौन है माधवी लता तो ये भी आपको हम बता देते हैं डॉक्टर माधवी लता की अगर बात करें तो वो विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं। माधवी लता सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती हैं और हिंदुत्व को लेकर मुखर रहती हैं। माधवी लता भरतनाट्यम डांसर भी हैं। हैदराबाद में उनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है वो ट्रस्ट और संस्थाएं हेल्थ केयर के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करती है माधवी लता लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लातमा फाउंडेशन की प्रमुख है आपको ये भी बता दें की हैदराबाद सीट ऐसी ए ए एमआईएम का गढ़ मानी जाती है इस सीट पर उन्नीस से ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी उन्नीस में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे 2004 तक वो सांसद रहे और इसके बाद अब ये सीट असद उद्दीन ओवैसी के पास है ओवैसी इस सीट ऐसी मौजूदा सांसद है बीजेपी को लगता है की माधवी लता स्मृति जैसा कोई करिश्मा कर दिखाएंगी इसलिए उन्हें हैदराबाद सीट से प्रत्याशी बनाया गया है इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आप तक हम और पहुंचाते रहें